है सिलसिला बाजारों के में बात करेंगे नॉन एग्री और एग्री कॉमोडिटी में कि किस कॉमोडिटी में तेजी देखने को मिल रही है और किस कॉमोडिटी में मंदी बनी हुई है। तो इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी की मैनेजिंग एडिटर रूपा मेहता जी जुड़ गई हैं। रूपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, जैसे कि सोने चांदी की बात करें नॉन एग्री में, तो इसमें कुछ पिछले कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन आज सोने में और चांदी में थोड़ी हल्की सी तेजी बनी हुई है। सोना बता दें 50,720 पर ट्रेड करता दिखा है, वहीं चांदी लगभग 60,000 पे कारोबार करती दिख रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये तेजी आगे और जा सकती है या उसमें कुछ आगे जाके गिरावट बनेगी? देखिए, अभी फिलहाल सोने और चांदी की अगर बात की जाए तो इसके अंदर तेजी का रुझान जो है वो बना हुआ है। जिस तरीके से रविवार का जो अपडेट निकल कर आया था उसके बाद से हमने देखा है कि सोना मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और रूस से आयात पर प्रतिबंध के फैसले के बाद से ये असर देखने को मिला है और कीमतों को एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। तो अभी ऐसे में माना जा रहा है कि सोने को निचले स्तरों पर सपोर्ट मिलता रहेगा और गोल्ड ETF के में भी खरीदारी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है और जो पहले गोल्ड ETF की तरफ से बिकवाली देखने को मिल रही थी वो कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आई है और ये सभी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सोना सपोर्ट लेता हुआ निचले स्तरों पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में मान के चलिए कि अभी जो रेंज है वो 50,000 से लेकर सोने की रेंज डोमेस्टिक मार्केट के अंदर 51,200 तक बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में भी नीचे में 60,000 से लेकर ऊपर में 62,000 तक की फिलहाल रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि चांदी में भी बाइंग में रहना चाहिए। कल भी मैंने यही बोला था कि निचले स्तरों पर बाइंग करके चले और थोड़ा सा आप होरिजन लॉन्ग टर्म लेकर चलेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट सोने और चांदी में आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल के लिए आने वाले कुछ समय में चांदी 62,000 तो सोना 51,600 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, तो जैसे कि रूपा मेहता जी ने बताया कि चांदी में आप आगे कारोबार करके चल सकते हैं, आगे इसमें तेजी भी बन सकती है। तो अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं तो क्रूड ऑयल में तेजी, मतलब कच्चे तेल में तेजी देखने को मिल रही है और ये लगभग इसमें 60 रुपए की तेजी इसमें देखने को मिली है। तो आपको क्या लगता है कि कच्चे तेल का बाजार आगे क्या इसमें और तेजी बन सकती है, कारोबार करके इसमें चलना सही रहेगा? देखिए, अभी फिलहाल कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी का ही रुझान एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है। कल हमने देखा था कि बाजार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के बाद तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे थे और यहाँ पर भी अगर देखा जाए इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी जो कच्चा तेल है वो सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है और आज भी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, यानी कि $100 जो एक नीचे में सपोर्ट था उसको अभी ब्रेक नहीं कर किया है तो वहां से वापसी होती हुई दिखाई दी है और यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट में भी हम इसको वापस 1% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए देख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए कच्चा तेल भी तेजी में एक बार फिर से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी पीछे जो हमने गिरावट देखी, दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक चिंताओं के चलते एक्सपेक्टेड था कि मांग जो है वो कमजोर हो सकती है जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों के ऊपर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन वहीं अब G7 देशों की जो बैठक चल रही है उसके ऊपर नजरें रहेंगी, जिसमें रूसी तेल के निर्यात को लेकर और ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर कोई फैसला हो सकता है। तो इनके ऊपर काफी हद तक जो है डिपेंडेंसी रहेगी कि क्या नजरिया निकल कर आता है, उसके बाद जो है इसकी दिशा तय होगी। लेकिन फिलहाल के लिए कच्चा तेल सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और वहां से जो है तेजी बनती हुई नजर आ रही है और अभी के लिए शॉर्ट टर्म रैली में छोटी मोटी बाइंग जो है वो की जा सकती है और मुझे लग रहा है कि नीचे में 8680 से लेकर ऊपर में 8740 से 60 की रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस रेंज के बीच में फिलहाल ट्रेडिंग किया जा सकता है। बाकी G7 देशों की जो मीटिंग से अपडेट निकल कर आएगा उसके बाद जो है कच्चे तेल की दिशा तय होगी। जी, तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि कच्चे तेल में तेजी बनी हुई है और इसमें छोटी मोटी बाइंग करके आप चल सकते हैं, जिससे आपको फायदा भी हो सकता है। अब अगर बेस मेटल की बात करें तो रूपा जी, बेस मेटल में भी हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, तो आपको क्या लगता है बेस मेटल का बाजार, कॉपर का बाजार कैसा रह सकता है बेस मेटल में? देखिए, बेस मेटल्स के अंदर जो है वो भी प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। दरअसल चाइना की तरफ से डिमांड जो है वो कम होने की वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार प्रेशर में है मार्केट, तो अभी थोड़ा सा डाउनसाइड बना रह सकता है और ये डाउनसाइड बढ़ भी सकता है। जैसे कि जिंक हम एक्सपेक्ट करें 292 तक नीचे में देखने को मिल सकता है। तो वहीं अगर बात की जाए कॉपर की तो कॉपर भी 680 तक एक बार फिलहाल नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आज इंट्राडे में शॉर्ट कवरिंग है और ऊपर में 702 से 705 की रेंज कॉपर की हो सकती है और जिंक जो है 298 से 300 की रेंज में फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी,
रूपा जी, जिंक की बात करें, जिंक पे नजर डालें तो ये 296 पर ट्रेड करता आज दिखा है और इसमें 60 पैसे की जो है वो तेजी देखने को मिली है, तो जिंक में आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए जिंक में अभी मैंने बताया कि जैसे नीचे में 292 और तो ऊपर में 300 की रेंज फिलहाल बनी रह चुकी है। अब अगर नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस 510 पर ट्रेड करता दिखा है, वहीं इसमें 2.5 रुपए की तेजी भी देखने को मिली है, तो नेचुरल गैस का बाजार कैसा रह सकता है? इंट्राडे में देखिए थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकता है नेचुरल गैस पे, क्योंकि विदेशी बाजार भी आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं और डोमेस्टिक बाजारों में भी आज तेजी देखने को मिल रही है, तो ऊपर में 512 से 515 की रेंज हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल बहुत ज्यादा तेजी में नहीं है। मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों से नेचुरल गैस में एक दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है, तो यहाँ पर एक बिकवाली की रणनीति ली जा सकती है। ऊपरी स्तरों पर जाकर 520-522 के आसपास मिलता है तो वहां पर 540 से स्टॉपलॉस के साथ सेल को लेकर चला जा सकता है और नीचे में एक्सपेक्टेड है कि 480 तक फिलहाल नेचुरल गैस का बाजार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर ओवरऑल बात करें नॉन एग्री कमोडिटी की तो इंट्राडे में क्या करके चलना चाहिए? देखिए इंट्राडे के प्रोस्पेक्टस से मुझे लगता है कि सोने और चांदी में निचले स्तरों पर खरीदारी करके चलना चाहिए और एज यूजुअल क्रूड में भी बाइंग करके चला जा सकता है। तो जैसा कि रूपा मेहता जी ने बताया कि इंट्राडे में सोने चांदी और कच्चे तेल में आगे ट्रेड करके चला जा सकता है। अब अगर बात करते हैं एग्री कमोडिटी की तो एग्री कमोडिटी में बता दें कैसे